दुनिया से बेरहमत हो जा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा तो सारी दुनिया वाले तुझसे मोहब्बत करेंगे। और साथ ही साथ आपने दूसरी बात ये बयान की, कहा वदहद फी मा आताकल्लाह। ऐ बंदे इस बात को जान ले, दुनिया वालों के पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस है, कार है या फिर मोटरसाइकिल है, जो भी है, उससे तू बेरहमत हो जा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। सलफ़े सालहीन ने दुनिया की हैसियत के सिलसिले में ये बात बयान की, जिस तरह इंसान बैतुल खला जाता है, वहाँ क्या करता है, ज़रूरत पूरी होने तक वहाँ रहता है, उसके बाद आप कहो कि बैतुल खला में रहो तो इंसान रहता है, नहीं रहता है। ये दुनिया भी ऐसे ही है, ये बैतुल खला की मानिंद है। यहाँ पर आप और हम अपनी ज़रूरत जब तक ख़त्म ना हो जाए वहाँ पर रहें, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वहां से निकल जाए, दैट इज मीन ऑफ, यही दुनिया से रगबत का माना यही है। अगर अल्लाह की निगाह में दुनिया हैसियत वाली होती, दुनिया का कोई मकाम होता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रूए जमीन में जितने काफिर हैं, जितने नाफरमान हैं, इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला उन्हें एक घूंट पानी पीने का मौका नहीं देता। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل في سورة العنكبوت قال الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تمام قسم کی بڑائی بزرگی عظمت و جلال بلندی و برتری شکر و سپاس تحمید و تسلیم اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہم اور آپ جتنی بھی بڑائی کبریائی بیان کریں بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ،
बादहु अनगिनत लाखों करोड़ दौज सलाम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए, बिलखसूस इमाम अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्म सल्लि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन व कसीरा। भाइयों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन इस्लाम और अज़ीज़ बच्चों, आज बरोज़ जुमा 1 सितंबर 2023 मुताबिक 16 सफ़र 1445 हिजरी, मरकज़ अहल हदीस करनूल में आप हजरात के दरमियान में एक बड़े अहम मौजू की वजाहत लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ, अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने, आपको हक़ बात सुनने, हक़ बात को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم عليم الحكيم। भाइयों और बुजुर्गो, इस रुए ज़मीन पर जब अल्लाह ताला ने हमको और आपको पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए ज़मीन के अंदर हम तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा। अलगर्स अल्लाह ताला की अगर हम नेमतों को शुमार करने जाएं तो अल्लाह की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते हैं। बिलगर्स अल्लाह ताला की नेमतें जो हम पर अल्लाह ने दी हैं, बास छोटी हैं और बास बड़ी हैं, और उन नेमतों का एहसास अगर कोई इंसान करना चाहे तो नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अल्लाह ताला की उन नेमतों की कदर सही अंदाज से हम नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया में हमको पैदा किया तो पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में एक मकसद देकर भेजा। और आप जानते हैं कि जिस इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है फिर उसकी ज़िंदगी में और हैवान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता है। इंसान और हैवान के दरमियान में जो फ़र्क है, जो हद फासिल है, वो है मकसद की जानकारी। इंसान मकसद को जानता है और हैवान मकसद को नहीं जानता है, यही फ़र्क एक इंसान और हैवान के दरमियान में है। वरना इसके अलावा अगर आप फ़र्क देखें तो इंसान और हैवान में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, वो भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, हम भी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। लेकिन जो असल फ़र्क है वो है मकसद की याद दहानी। अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें और आपको एक मकसद देकर भेजा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इस मकसद को वादे अंदाज से अल्लाह ने बयान करते हुए फरमाया, सूरह ज़ारियात की जो आयत नंबर बड़ी मशहूर है, अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियबुदून। मकसद हमारा तुम्हारी पैदाइश के मसले में ये है ताकि हम तुम्हें इसलिए पैदा किए हैं, मकसद ये है ताकि तुम दुनिया में जाकर हमारी इबादत करो। तो मकसद तख्लीक जो हमारा और आपका है वो अल्लाह की इबादत है। ये हमारा पैदाइश का बुनियादी मकसद है जो अल्लाह ने बयान किया है। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला दुनिया में हमें भेजा। और दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए मुज़य्यन कर दिया। कैसे मुज़य्यन किया? मुख्तलिफ़ अल्लाह ने दुनिया के अंदर जीनत की चीज़ें रखी हैं। कुरान मजीद की वो आयत करीमा जो आप जानते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जीनत की मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान किया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन्निसा वल बनीन वल क़नातिल मुक़न्तरा मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, जो बड़ी मशहूर मारूफ़ आयत करीमा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की जीनतों को अल्लाह ने खोल खोल कर बयान किया। लेकिन जहां पर अल्लाह ताला ने दुनिया को मुज़य्यन किया वहीं पर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जीनत को अल्लाह ने बयान किया है ताकि इंसान इस दुनिया की जीनत को देखकर, इस दुनिया के आयश व इशरत को देखकर इंसान कहीं अपने मकसद को भूल ना जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है ताकि इस खूबसूरती में पढ़कर हम अपने मकसद को भूल ना जाए। तो दुनिया की खूबसूरती को देखकर हम कभी अपने मकसद को भूलने की कोशिश ना करें। ये दुनिया खूबसूरत है लेकिन आप याद रखें इससे बढ़कर खूबसूरत जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया है वो है, और वो है जन्नत, जो दुनिया से बड़ी खूबसूरत जगह है।
इस बात को भी आप याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस के मजमूए के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ अकामात पर अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया से बेरगबती होने की तरकीब दी है। ये दुनिया जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, ये दुनिया में हम और आप एक मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र हमारा एक ना एक दिन ख़त्म होने वाला है और ये सफ़र की इंतहा, इस मंजिल की आखिरी इंतहा ये जन्नत है। हम और आप इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, दुनिया जो हमें दी गई है ये सफ़र करने की जगह है और हम और आप इसमें मुसाफिर हैं। हमारे सफ़र का आगाज़ हमारी माँ की पैदाइश से होता है, माँ के पैदा होने के बाद जब हम पैदा होते हैं सफ़र की शुरुआत होती है और हमारे सफ़र का इख्तिताम हमारी मौत तक है। तो इस सफ़र के इस हिस्से में मुख्तलिफ मुसीबतें और मुख्तलिफ आजमाइशें अल्लाह ताला हम इंसानों को देते हैं और मुख्तलिफ फितनों से अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में आजमाते हैं ताकि हम अपने मकसद को भूल ना जाएं। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर दुनिया की बेरगबती से अल्लाह ताला ने इंसानों को मुतनब्बे किया, देखो ये दुनिया रगबत की जगह नहीं है, जगह जी लगाने की, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है, ये दुनिया इबरत की जगह है, यहाँ पर इबरत हासिल करें। ये दुनिया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें और आपको इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ने भेजा है, तमाशे की जगह नहीं है ये। शायर कितना खूब कहता है, देखिए यहाँ पर आप इस बात को भी जान लें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर दुनिया की बेरगबती के बारे में अल्लाह ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुतनब्बे किया। अब आप इस बात को जान लें, दुनिया से बेरगबती का मफहूम इसको समझ लें। सूफिया ने इसका मतलब ये समझा कि इंसान दुनिया छोड़ दे और जिस्म पर झोली लगा दे, बी बच्चों को छोड़ दे और जंगलों के हवाले हो जाए, ये सूफिया ने इसका मतलब ये लिया है। जबकि दुनिया से बेरगबती का मतलब यह है कि इंसान दुनिया को इतना ही अपनी ज़रूरत के हद तक समझे जितनी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत ख़त्म, दुनिया को इंसान अपने लिए मामूली समझे। सलफ़े सालहीन ने दुनिया की हैसियत के सिलसिले में ये बात बयान की, जिस तरह इंसान बैतुल खला जाता है, वहाँ क्या करता है, ज़रूरत पूरी होने तक वहाँ रहता है, उसके बाद आप कहो कि बैतुल खला में रहो तो इंसान रहता है, नहीं रहता है। ये दुनिया भी ऐसे ही है, ये बैतुल खला की मानिंद है, यहाँ पर आप हो, आप और हम अपनी ज़रूरत जब तक ख़त्म ना हो जाए वहाँ पर रहें और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकल जाएं, दैट इज़ मीन ऑफ, यही दुनिया से रगबत का माना यही है। आगे अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान मजीद की जो सूरह अनकबूत की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को दो लफ्ज़ों में बयान किया। ये दुनिया जो हम और आप जिस दुनिया को सब कुछ समझ कर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया को हम अपना सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ हमने समझा है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हैसियत को दो लफ्ज़ों में बयान किया है, दो लफ्ज़, टू वर्ड्स। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद की आयत करीम, अल्लाह ने फरमाया वमा हाज़िहि लहयातु दुनिया इल्ला लहवुन व लईब। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी जो तुमको दी गई है इसकी पहली हैसियत क्या है, लहवुन व लईब, ये खेल कूद की जगह है, ये लहू व लईब की जगह है। व इन्नद दारुल आखिरा लहियल हैवान, लोगों आखिरत की ज़िंदगी जो तुमको आने वाली है ये हमेशा हमेशा रहने वाली है। लौ कानू यअलमून, अगर तुम्हारे अंदर अकल है, समझने का मादा है, तो इस बात को तुम समझो, ये दुनिया जिसको तुमने अपना सब कुछ समझा है ये लहू है, ये लाइब है। इसकी मिसाल आपको दे दूं, एक बच्चा रोता है, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप तो दूर रहता है कमाने जाता है, माँ क्या करती है, बच्चा जब रोता है तो उसको खिलौना देती है ताकि बच्चा खिलौने में पढ़ कर अपना रोना भूल जाए। जी हाँ, बच्चा क्या करता है, खिलौना खेलता है
और जैसे रोना खत्म हो जाता है खिलौने को साइड में रखता है, वो खिलौने को साइड में रखता है। क्यों? इसलिए कि उसको ये बात मालूम है ये खिलौना बस मेरे रोने की हद तक है, मैं जब रोना खत्म कर दूं खिलौना बाजू रखता है वो फिर अपना काम कर लेता है। ठीक, दुनिया भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला की निगाह में दुनिया और उसका सामान, दुनिया की ऐश, दुनिया के आराम, दुनिया की नेमतें अल्लाह की निगाह में इतनी ज़्यादा हकीर हैं। इसका नक्शा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में हम देखें। आइए वो रिवायत आपके सामने पेश कर दूँ जिससे इमाम अहमद ने मुस्तनद अहमद के अंदर इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में रिवायत किया। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब बाजार में थे, आपने देखा कि कुछ लोग एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जो कई दिन पहले मर चुका था और इसमें बहुत बड़ी बदबूदार उससे बो आ रही थी, कुछ लोग उस बकरी के बच्चे को खींच कर ला रहे हैं और उस बकरी की बच्ची का मामला यह है कि उसमें ऐसी बदबू आ रही है कि सारा बाजार उसकी बदबू को सुनकर परेशान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम में का कोई आदमी है जो इस मुर्दार बकरी के बच्चे को एक दिरहम में खरीदे? सहाबा का रसूल, अरे एक दिरहम तो दूर की बात, अगर कोई आदमी फ्री में भी दे दे तो हम उसे नहीं लेंगे। नबी अकरम ने फरमाया, जो तुम बकरी का मरा हुआ बच्चा देख रहे हो ये दुनिया है, ये दुनिया है। अद्दुनिया अहवानु अलल्लाह, अल्लाह के नजदीक दुनिया और उसका सामान इस मरे हुए बकरी के बच्चे की तरह है। उसके बाद फिर नबी ने आगे जो जुमला बयान किया है वो समझने की बात है। नबी अकरम ने फरमाया, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया अगर कुछ हैसियत वाली होती, मैं सका काफिर शुरबत मह, तो अल्लाह ताला इस रूए जमीन पर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका नहीं देता। अगर अल्लाह की निगाह में दुनिया हैसियत वाली होती, दुनिया का कोई मकाम होता, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रूए जमीन में जितने काफिर हैं, जितने नाफरमान हैं, इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला उन्हें एक घूंट पानी भी पीने का मौका नहीं देता। यह है दुनिया। जी आगे आप इस बात को भी जान लें, एक आदमी को दुनिया के मसले में कितने हद तक फायदा उठाना है, कितनी दुनिया से उसकी ज़रूरत पूरी करनी है, अल्लाह के नबी ने एक और हदीस के अंदर इसका नक्शा खींचा है। आप दुनिया को छोड़ देना, ये नहीं मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया पूरा आप छोड़ दें, आप दुनिया पूरी छोड़ दें, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया को आप किस हद तक अपने नज़दीक रखें, दुनिया से आप अपने कितनी ज़रूरत पूरी करें, अल्लाह के नबी ने इस हदीस में उसका नक्शा खींचा है। आइए वो नक्शा आपके सामने पेश कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर मारूफ सहाबी और हज़रत उमर बिन खत्ताब के फर्जंद अर्जुमन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की वो रिवायत आप जानते हैं। फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर, अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकबिया, अल्लाह के नबी एक बार मेरे पास आए और मेरे कंधे को आपने कंधे पर हाथ रखा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, नबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसके बाद आपने कहा या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक अजनबी आदमी रहता है, एक मुसाफिर जैसे जिंदगी गुजारता है। तो आपने कहा कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, दुनिया में ऐसे रहो, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि एक अजनबी आदमी गुजारता है। और आबिरु सबील, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर को यह भी नसीहतें की। और अब्दुल्लाह बिन उमर का मामला यह था कि जब भी लोगों से बात करते तो इस नसीहत को जरूर पेश करते, और नबी की नसीहत अब्दुल्लाह बिन उमर ने याद रखी, यहां पर बिठाई उसको यहां पर। अच्छा, हमारा मामला यह है हम सुनते यहां से हैं और बात को बिठाते यहां पर, यहां पर बात बिठाएंगे तो बात भूल जाती है, लेकिन यहां पर बिठाते हैं ना तो वो बात अंदर रहती है। इसीलिए कभी भी याद रखें, सुनना यहां से और बिठाना कहां पर, यहां पर। अगर यहां बिठाएंगे तो यहां से बात छूट सकती है, लेकिन यहां पर बात रखेंगे ना जिंदगी भर ये बात आपके अंदर रहेगी। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, जब भी मैं लोगों से मुलाकात करता तो नबी की इस नसीहत को पेश करता। नबी की नसीहत क्या थी? आपने कहा, इधर असबहता फला तंतजिल मसा,
ए अब्दुल्ला बिन उमर जब सुबह करो शाम का इंतजार मत करो कि शाम मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। वह इजा अमसैता फला तंत सबा, और जब तुमको शाम मिल गई रात मिल गई इंतजार मत करो कि सुबह मेरे हिस्से में आएगी या नहीं आएगी। वखुज़ मिन सिहतिक लिमौतिक, वखुज़ मिन सिहतिक लिमौतिक। लोगों याद रखो, जो सेहत तुमको मिली है ना, जो तंदुरुस्ती तुमको मिली है, इसको मरीजी से आने से पहले, बीमारी आने से पहले उसको गनीमत जान लो। वखुज़ लिहयातिक लिमौतिक, जितनी जिंदगी तुमको दुनिया मिली है उसे गनीमत जान लो मौत आने से पहले। जी अल्लाह के नबी ने इस हदीस में दुनिया कितनी आपको लेना है, दुनिया से कितना आपको फायदा उठाना है, इसका नक्शा आपने इस हदीस में पेश किया है। आगे आप इस बात को जान लें, आज दुनिया में माशरे में आपको कई लोग मिलते हैं जिनका मामला ये होता है, बोलते हैं भाई आखिरत दूर की बात, दुनिया सब कुछ है भाई, दुनिया है तो हम हैं, दुनिया नहीं है तो हम नहीं हैं, आखिरत की बात मत करो दुनिया की बात करो। उनका मामला यह होता है, वो सुबह करते हैं तो दुनिया के साथ करते हैं, शाम करते हैं तो दुनिया के साथ करते हैं, उनकी निगाह में सिर्फ दुनिया 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 होती है, आखिरत का कोई खौफ आखिरत की कोई रग़बत उनके पास नहीं होती है। ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं कारोबार में, आप बात करो भाई हलाल कमाओ, हलाल कमाना बाद में देखेंगे, आखिरत में, आखिरत तो वो दूर की बात है। इनका मामला यह होता है कि दुनिया को वो सब कुछ समझ बैठे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया अच्छी है, दुनिया चमकीली है तो दुनिया पूरी जिंदगी चमक चमक उठेगी, अगर दुनिया अगर अंधेरी हो जाए जिंदगी पूरी अंधेरी हो जाएगी। लेकिन आप इस बात को याद रखें, दुनिया की चमक में अगर आप अपनी जिंदगी को चमकीली कर दोगे आखिरत आपकी अंधेरी हो जाएगी। अगर आपकी आखिरत अंधेरी हो जाए तो फिर वहां पर रोशनी देने वाला आपको कोई नहीं होगा। इसलिए दुनिया की चमक में जाकर अपनी आखिरत को तारीक मत करो। आज कई मुसलमान हैं जो दुनिया की चमक में पढ़कर हलाल और हराम की तमीज भूल बैठे हैं, दुनिया की चमक में पढ़कर उन्होंने दुनिया की चमक में पढ़कर अपने जिंदगी के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका उठना, उनका चलना, जिंदगी का पूरा उनका जो भी सिस्टम है दुनिया की चमक पर चल रहा है, जबकि उनकी आखिरत पूरी अंधेरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मजम्मत करते फरमाया, कहा मन कानति दुनिया हम्मा, जिस आदमी का मामला यह होता है कि वह दुनिया को सब कुछ समझता है, सुबह उठे ही दुनिया व्हाट्सएप चालू करता है, क्या हुआ ब्रेकिंग न्यूज, शाम करता है व्हाट्सएप पर ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ दुनिया 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 बात करता है, दुनिया की बात करता है, और नौज बिल्ला अल्लाह ताला हिदायत दे मस्जिद में भी आता है तो सिर्फ दुनिया करता है, यहां भी आकर दुनिया की बात करता है। हालांकि ये मकाम कौन सा है, रब का ये मकाम है, यहां रब को याद करना चाहिए। यहां भी वो आदमी सिर्फ दुनिया की फिक्र लेकर आता है। अब आपने कहा कि मन कहां थी दुनिया हम्मा, अब जिस आदमी का मसला ऐसा है कि वो बाजार में बैठता है तो दुनिया की सोचता है, बस ऐसे भी हैं मैंने देखा है सफर में कभी कभार, मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बाथरूम में जाते हैं तो फोन लेके जाते हैं, दुनिया वहां भी दुनिया चाहिए ना, वहां भी चैटिंग दुनिया वहां भी हो चाहिए उनको। अब दुनिया जब ऐसे इंसान का दुनिया इतना नशा दुनिया का हो जाए तो आपने कहा अब ऐसे आदमी का मामला यह हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब इस आदमी को दुनिया इतनी देते हैं कि दुनिया ले लेके इंसान थक जाता है, दुनिया अल्लाह ताला उसके लिए इतनी दे देते हैं कि इंसान दुनिया को ले लेकर थक जाता है। लेकिन मामला यह होता है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी की फकीरी को उसके सामने रखते हैं, जी कमा रहा है दुनिया का प्रॉपर्टी ले रहा है, जमीनों पे जमीन, बैंक बैलेंस फुल, ब्लैक से मनी, काले से ब्लैक से मनी, वाइट वाइट से ब्लैक, अब सब कर रहा है, लेकिन फिर भी जिंदगी से अल्लाह ताला क्या करते हैं, फकीरी को गुर्बत को अल्लाह नहीं निकालते हैं। ऐसे लोगों के हमारे पास कई लोग ऐसे भी हैं, कमा रहे हैं लेकिन घरों में बरकत खत्म हो गई, फकीरी जैसी थी वैसे ही है। अब अल्लाह ताला क्या करते हैं, वलम यातिही मा दुनिया इल्ला मा कुद्दिर लह, अल्लाह ताला उस आदमी को दुनिया उतनी देते हैं जितना चाहता है वो,
ले 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 ले, दुनिया चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, चल ये चाहिए, ये चाहिए। दुनिया अल्लाह इतनी देते हैं कि इंसान ले लेकर थक जाता है, लेकिन फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला, जिंदगी में जो असल बरकत है ना, अल्लाह उसको छीन लेते हैं। अब बरकत को जब छीन लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब उस इंसान का मामला ये होता है कि वो इबादत से इंसान जी चुराता है, सजदे की तौफीक को अल्लाह छीन ले। इस बात को आप जान ले, इस दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है मालूम, इस दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीबी एक इंसान के हिस्से में यह है कि अल्लाह ताला जिस इंसान की जिंदगी से सजदों की तौफीक को छीन ले, इस दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीबी है। आप याद रखें, लिख लें आप इस बात को। हजरत अली इब्न अबी तालिब का एक कौल आपके सामने पेश कर दूं, सलफ सालहीन शायद हमारे उलमा इस कौल को पेश करते हैं। अली इब्न अबी तालिब का एक कौल बड़ा प्यारा है, और जब भी मैं दुनिया मेरे पास जब आती है ना, जब भी दुनिया की मेरे पास ख्वाहिश होती है, इस कौल को मैं पढ़ लेता हूँ, ये कौल बड़ा प्यारा है। हजरत अली इब्न अबी तालिब का कौल ये है, अद्दुनिया मुर्तहिला, अद्दुनिया मुर्तहिला, वल आखिरतु मुकबिला, ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء فكونوا من ابناء الدنيا فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وقد عمل ولا حساب। नबी अकरम ने फरमा, हज़रत अली का कौल ये है, वो कहा करते थे लोगों, दुनिया सफर करने वाली है, दुनिया खत्म होती है, दुनिया खत्म होने वाली जगह है, और आखिरत मुकबला, जैसे दुनिया खत्म होती है वैसे आखिरत सामने आ रही है, आखिरत सामने आ रही है। वलिकुल्लि मिन्हुमा बनून, हजरत अली कहा करते थे दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक दुनिया परस्त हैं और एक खुदा परस्त हैं। वलिकुल्लि मिन्हुमा बनून, फिर यह भी कहा करते थे फकूनु मिन अबनाइल आखिरा, लोगो दुनिया के अंदर जब तक जियो अल्लाह परस्त बनकर जियो। क्यों? इसलिए कि फइन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, क्योंकि आज की दुनिया की जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो यहां पर सिर्फ अमल करना है, हिसाब कहां मिलेगा? वहां मिलेगा। वगतन हिसाब वाला अमल, और कल जो आखिरत तुमको मिलने वाली है वहां पर सिर्फ हिसाब रहेगा, अमल करने चाहो अमल नहीं कर सकते तुम। आगे आप इस बात को भी जान लें, हर इंसान की तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत वो हासिल करे। एक आदमी किसी लीडर की अगर मोहब्बत हासिल करना चाहता है तो क्या करता है? लीडर की चापलूसी करता है, लीडर के पीछे पीछे चलता है, लीडर जो बोले साफ साफ बोलता है। एक आदमी अगर अपने बाप की रजामंदी चाहता है तो क्या करता है? बाप जैसा बोला वैसा सुनता है। क्यों? ताकि बाप की मोहब्बत मिले जी। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत को तलाश करने की कोशिश करते हैं, कब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और कब आखिरत समझ जाए। इस बात को आप याद रखें, अगर किसी इंसान की जिंदगी के हिस्से में अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए, याद रखो इसका फायदा यह होता है कि जब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है ना तो दुनिया वालों की मोहब्बत भी आपको मिल जाती है। आज कई लोग ऐसे हैं, कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर आज लोग लोगों से दुश्मनी कर रहे हैं। सदर सेक्रेटरी से नाराज है, सेक्रेटरी सदर से नाराज है। आज कई लोग ऐसे होते हैं कि दिलों में मोहब्बत हासिल करने के लिए, दिलों में मोहब्बत बिठाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत दिल में नहीं बैठ रही है, सिर्फ चाय के हद तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है मोहब्बत। लेकिन आप इस बात को जान लो, अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत को डाल दे, दुनिया वालों में मोहब्बत आपकी डाल दे, तो ये मोहब्बत ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। तो आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लम के पास एक सहाबी असूल आए, ये सहाबी का नाम हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं जा अरजू इला नबी सल्लम, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, कहा अल्लाह के रसूल दुल्लनी अला अमलिन, आप कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा काम बताइए जिसके करने की वजह से अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे तो साथ ही साथ सारी दुनिया वाले मुझसे मोहब्बत करें। सवाल कितना प्यारा, देखिए सहाबा के सवाल ऐसे ही हुआ करते थे। सवाल क्या था? सवाल ये था कि अल्लाह रसूल ऐसा अमल बताइए कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे, और मोहब्बत करने के बाद भी
सारी दुनिया के लोगों में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। अब आप सोच पड़ गए क्या जवाब दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जवाब दिया, कहा इज़हद फि दुनिया युहिब्बुकल्लाह, ए बंदे दुनिया के अंदर रगबती, दुनिया के अंदर दुनिया से बेरगबत हो जा, दुनिया से बेरगबती हासिल कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। दुनिया से बेरगबत हो जा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह तआला मोहब्बत करेगा तो सारी दुनिया वाले तुझसे मोहब्बत करेंगे। और साथ ही साथ आपने दूसरी बात ये बयान की, कहा वदहद फी मा आताकल्लाह, ए बंदे इस बात को जान ले दुनिया वालों के पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस है, कार है या फिर मोटरसाइकिल है, जो भी है, उससे तू बेरगबत हो जा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा। आज हमारे पास क्या है मामला, कोई मुसलमान हमारा भाई है, उसके पास कोई बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई बैंक बैलेंस है, हम क्या करते हैं, जलते हैं उस पर। ए कहां से लाया कि कहा क्या खतरा मिला किसको, अब खोज में लगते हैं, खोज लगते लगते इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब तक उसकी मौत ना आ जाए, उससे दुश्मनी ना कर ले, उसको मार ना डाले, वो दुश्मनी ऐसी रहती है। ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत कर रहा है वो, कितनी कोशिशें कर रहा है, दिन रात एक कर बेचारा कुछ कमाता है, कुछ लेता है, तो अब दुनिया वाले जो है दुश्मन बन जाते हैं। अब वो बेचारा क्या करता है, माशाल्लाह के बोर्ड लगाता है लेकिन फिर भी बराबर नजर लग रही है उसको। अब खानदान वाले दुश्मन, यहां दुनिया वाले दुश्मन गए, अब वहां पर खानदान वाले, भाई भाई से दुश्मन, कैसा लाया इन, अब ये तक बंदे को फुर्सत नहीं मिलती। अब ऐसा मसला जब हो चुका है तो याद रखें आदमी को चाहिए जितनी अल्लाह ताला ने उसे चादर दी है उसी में इंसान खुश हो जाए। बस ये अगर आपके पास है तो सोच लीजिए कि आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई और साथ साथ बंदों की मोहब्बत मिल गई। अब आखिर में एक बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, हमारे लिए इस दुनिया में रोल मॉडल कौन है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या करते हैं, हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, इबादत किसके तरीक़े पर करते हैं, अल्लाह के नबी के। जब इबादत के अंदर तरीक़ा नबी का हम ढूंढते हैं तो दुनिया के सिलसिले में किसको देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि नबी हमारे दुनिया से कैसे बेरगबत हुआ करते हैं। नहीं, हमारे पास क्या है, मिट्ठा मिट्ठा हा हा, कड़वा कड़वा थू थू, हम बस ये देखते हैं कि नबी हमारे कैसे थे, नबी की नमाज कैसी थी वैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, नबी का रोज़ा कर था वैसे ही करते हैं, लेकिन नबी दुनिया के सिलसिले में कितने बेरगबत थे वह हम हासिल नहीं करते। क्यों, अगर नबी की तरह दुनिया से बेरगबत कर लें तो दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, हमारी बी बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब आइए सिलसिले में अल्लाह के नबी की हदीस को आप देखें, फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के नबी के पास पहुँचा और नबी के घर को पहुँचा, नबी का मामला ये था कि नबी जो है इमामुल अंबिया एक चटाई पर लेटा हुआ है, चटाई ऐसी चटाई कि उस चटाई का मामला ये है कि खजूर की जो झाड़ होता है उसकी चटाई है, और नबी का मामला ये है लंगी पीठ सोए हुए हैं और आपकी पीठ पर चटाई के निशानात हू बहू हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नींद से हालत में देखा, चटाई आपके पीठ पर छपी हुई है, फौरी आप बेदार हो गए, कहा अल्लाह रसूल आप हुक्म दीजिए ना हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम कर देंगे, बस आप हुक्म दीजिए। उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंसू हो गए कि नबी की हालत ये है, अल्लाह रसूल हमने देखा कि कैसा और किसरा के बादशाह इतनी आयश परस्ती कर रहे हैं और आप तो हमारे नबी हैं, आप हमारे इमामुल अंबिया हैं, आपका मामला ये है कि आप ऐसे बिस्तर पर सो रहे हैं, है नबी हमारे को देखने में नहीं आ रहा है, हमारे को ये चीज़ हम देख रहे हैं तो आंखों में आंसू है, अल्लाह रसूल अल्लाह का वास्ता है कि आप एक बिस्तर का आप इंतज़ाम कर लें, आप हुक्म दीजिए, अच्छा बिस्तर आपके लिए हम तैयार कर देंगे। नबी का जुमला जो है आज भी वैसी अहदीस की किताब मौजूद है, नबी ने कहा माली वाली दुनिया इन्नमा कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन थुम्मा राहा व तरका, नबी ने कहा दुनिया से मुझे क्या मतलब है, मेरी मिसाल दुनिया में ऐसे ही है जैसे कि मुसाफिर किसी दरख्त के साए में आराम करता है, जैसे ही आराम खत्म हो जाता है थुम्मा राहा व तरका उस जगह को भी छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, यही मिसाल दुनिया की मेरे नजदीक है।
मालूम क्या हुआ, दुनिया की बेरगबती के मसले में हमारे नबी का अमल ये था, तो हमारा मामला भी ऐसे होना चाहिए, कम अज़ कम ऐसा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना जी। अगर अंबानी के अगर आप रोल मॉडल बनाओगे अंबानी को अगर अपना, तो फिर अंबानी कैसा माल लूटता है वैसे आपको लूटना पड़ेगा, जब तब अंबानी की जगह पर आप जाओगे। फिर मसाला मर्जी आपकी, अंबानी की जैसे आखिरत बर्बाद है आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो दुनिया के कमाने के मसले में नबी को अपना रोल मॉडल बनाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। ये कुछ बातें थीं जो मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें इस खुतबे जुमा के मसले में बयान की गई हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को और बाद में सुनने वालों को अल्लाह ताला इस पर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक इस दुनिया में कायम रखे अल्लाह सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब खातिमा हो तब खातिमा बिल खैर हो, आमीन। वाकुल कौली हाजा अस्तगफिरु लि वलकुम वसाइल मुस्लिमीन कुल्लु ज़म्बिन वस्तगफिरुहु इन्नहु गफूर।